श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। यह तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष में चार नवरात्रे आते हैं, दो प्रत्यक्ष और दो गुप्त। जो इस बार 7 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है नवरात्रा, वह शारदीय नवरात्रा कहलाता है। इस बार का नवरात्रा जो शारदीय नवरात्रा होता है, वह एक विशेष महत्व रखता है। कौन सी तारीख से नवरात्रे का प्रारंभ हो रहा है, अष्टमी तिथि कौन से दिन पड़ेगी, नवमी तिथि कब मनाई जाएगी या दशहरा कब का माना जाएगा, यह सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। माता किस सवारी पर सवार होकर आ रही है और इस बार के नवरात्रे हमारे लिए कैसे रहेंगे, शुभ या अशुभ, यह सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप अवश्य यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें। आप माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आप ऐसा क्या करें कि माता रानी जब तक आपके यहाँ रहे, आपके यहाँ खुशियाँ बनी रहे और अष्टमी या नवमी तिथि जब भी आपसे विदा ले, आपको अनेकानेक आशीर्वाद प्रदान करके जाए। इस बार नवरात्रि 8 दिनों के पड़ रहे हैं। चौथा नवरात्रा और 5वां नवरात्रा एक ही दिन होने के कारण एक दिन नवरात्रि का कम हो गया है, इसलिए व्रतधारी इस बार नवरात्रि में 8 दिन का ही व्रत रख पाएंगे। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर को हो रहा है और 7 अक्टूबर से नवरात्रियां प्रारंभ हो जाएगी। 14 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी और 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उनके सारे दुख कष्ट हर लेती है। देवी भागवत पुराण में यह बताया गया है कि बार के अनुसार माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी, यह हम बता सकते हैं, यह हम जान सकते हैं। यदि नवरात्रे का प्रारंभ सोमवार या रविवार से हो रहा हो तो माँ की सवारी हाथी की होती है। शनिवार या मंगलवार को यदि माता पृथ्वी पर आ रही है, नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो माता की सवारी अश्व होती है। और यदि बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो माता का वाहन नाव होता है। और गुरु या शुक्रवार को माता रानी पृथ्वी पर आती है तो माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर आती है। इस बार के नवरात्रे गुरुवार को प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए माता पालकी पर सवार होकर आ रही है। इस बार माँ दुर्गा का पालकी में सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं है, यह प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, राजनीतिक उथल पुथल के संकेत हैं। किंतु जो भक्त माता रानी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी कृपा से यह अशुभ प्रभाव भक्तों का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें इन दिनों में माँ की भक्ति भाव से पूजन करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। माँ की पसंद की हर वस्तु जो हम उन्हें समर्पित कर सकते हैं अवश्य करना चाहिए। यदि हम व्रत करने में सक्षम हैं, जिस प्रकार भी हम यह व्रत करना चाहें कर सकते हैं, हमारा शरीर जिसके लिए सक्षम हो हमें वह उस तरीके से व्रत करना चाहिए। यदि हम एक समय भोजन करके यह व्रत कर सकते हैं तो एक वक्त भोजन करें। यदि हम हमारे लिए नहीं है संभव कि हम एक वक्त भोजन करके और ये करें, तो हम एक वक्त भोजन एक समय फलियार करके भी ये व्रत कर सकते हैं, या सिर्फ एक समय फलियार करके हम ये व्रत कर सकते हैं। आपके शरीर से जैसा भी हो सके, जो भी संभव हो सके, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवान ये नहीं चाहता है कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत करें। जो हमारे लिए संभव हो हमें वही करना चाहिए। हम व्रत करें या ना करें या कैसे भी करें, बस हमारे अंदर पूरी श्रद्धा एवं माँ के प्रति पूरा विश्वास होना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी घट स्थापना का मुहूर्त किस दिन करना चाहिए हमें और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर को 6:17 से शुरू हो जाएगा और 7:07 तक यह रहेगा। आप इसमें घट स्थापना कर सकते हैं। यदि इस समय में आप घट स्थापना करते हैं तो यह आपके लिए विशेष फलदायी होगा, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त है। नवरात्रे के लिए एक और विशेष बात है कि नवरात्रे में ज्वारे बोने का एक विशेष महत्व होता है। ज्वारे घट स्थापना के साथ ही बोए जाते हैं। यहाँ ज्वारे बोने का अर्थ जो बोने से होता है।
जो बोने के लिए शुभ मुहूर्त का होना बहुत आवश्यक हो। मिट्टी के कसोरे में किसी भी शुभ मुहूर्त में जब हम घट स्थापना करते हैं तभी माता रानी की चौकी के समीप हमें ज्वारे बो देना चाहिए और उन्हें ढाक देना चाहिए। नियमित रूप से जल अर्पित किया जाना चाहिए और नवरात्रि के समापन के दिन ज्वारे को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो जौ को धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहली फसल माना गया है और जो हम माता रानी के दिनों में ज्वारे बोते हैं उससे हमारे आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं का हमें संकेत मिल जाता है। मान्यता है कि यदि बोए गए ज्वारे जो अगर नवरात्रि के पहले 3 दिनों में अंकुरित हो जाए तो बहुत शुभ होता है। यदि वह बिल्कुल ना उगे तो यह अच्छे संकेत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपकी मेहनत, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाएगा। यदि ज्वारे हरे या सफ़ेद और सुंदर दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको आने वाले दिन में बहुत ही खुशहाली प्राप्त होने वाली है, कुछ नई खुशी प्राप्त होने वाली है। जौ को हवन आदि में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यता यह भी है कि जौ की उपस्थिति ब्रह्मा की उपस्थिति मानी जाती है। यह तो सब धार्मिक ग्रंथों से निकाली हुई जानकारियां हैं, लेकिन सत्य तो बस इतना है कि यदि आप प्रभु को, ईश्वर को, माता रानी को पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से पूछते हैं, मानते हैं, तो कोई भी अनिष्टकारी दुर्घटना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए हम सब भी इस बार माता रानी को बिल्कुल सरल एवं सुगम जो हम कर सकते हैं बिना आडंबरों के करें। भक्ति के साथ, विश्वास के साथ कुछ ऐसी बातें जो हम ध्यान रखें, देखना माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। देवी माँ के व्रत के कुछ नियमों को हमें हमारे जीवन में अवश्य लाना होता है क्योंकि सभी देवी देवता के अपने कुछ नियम होते हैं। आज ये हिंदू धर्म के कई परिवारों में अष्टमी या नवमी को जब भी वह पूजन करते हैं उसके पूर्व पूरे घर को साफ एवं स्वच्छ किया जाना आवश्यक माना जाता है क्योंकि विशेषतः माता रानी उसी घर और परिवार में प्रसन्न भाव से विराजित होती है जहाँ घर और घर में रहने वाले सभी सदस्यों के मन और पूरा घर सभी साफ हो, पवित्र हो। माता रानी के दिनों में यानी नवरात्रि के दिनों में चाहे कोई सी भी नवरात्रि हो, यही प्रयत्न करना चाहिए कि पारिवारिक सदस्यों के मन में वैचारिक मतभेद या वाद विवाद नहीं हो, शांति का वातावरण रहे। यदि आप अपने घर में माता की जोत लेते हैं, पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण से भी करवाते हैं तो आपको इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। आपके भोजन में सात्विकता होनी चाहिए क्योंकि स्वयं अन्नपूर्णा इन दिनों में हमारे बीच होती है, इसलिए भोजन को विशेष भाव से बनाना चाहिए। मन में और बनाने में दोनों में सात्विकता अवश्य बरतनी चाहिए। माँ को लाल पुष्प, फल, मिष्ठान जो भी पसंद हो कोशिश करें कि हम रोज़ उन्हें समर्पित कर पाएँ। मंदिर में जाकर श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। सुहागन स्त्री को तो अवश्य है सुहाग सामग्री चढ़ानी ही चाहिए, माता रानी को समर्पित करनी ही चाहिए। साथ ही माता रानी को लाल चुनरी समर्पित करें। यदि संभव हो तो सप्तशती का पाठ आप अवश्य करें, रोजाना करें। और जिस दिन आप यदि अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी के दिन या नवमी पूजते हैं तो नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन या खीर जो भी आप जिमा सकते हैं उसे जिमा कर अवश्य दक्षिणा दें। यह सब छोटे छोटे कार्य हैं जो आप करके और माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।